अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मेरा नाम सुलेमान है और मैं YouTube के लिए वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि उन लोगों के लिए है जो मैट्रिक और 10 पास हैं या 12 पास हैं, उनके लिए वर्क परमिट हमारे पास न्यू आए हैं। तो अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिक आपके लिए है। मोस्टली जो हमारे लोग यहाँ से कनाडा ट्रैवल करते हैं, लोअर कैटेगरीज पे जॉब करते हैं, और लोअर कैटेगरी पे हमेशा जो है वो डिमांड भी ज़्यादा होती है। उसका मैं रीज़न ये बताता हूँ कि जो कनाडा है उसका एजुकेशन रेट ऑलमोस्ट 85-90% है, यानी कि जितने भी लोग कैनेडियन सिटीजन हैं मोस्टली ये ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं। और जो लोअर कैटेगरी के जितने भी काम होते हैं, लाइक फ्रूट पिकर का काम है या फार्म वर्कर का काम है या आयल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो लोग चाहिए होते हैं, तो वहाँ पर जो लोअर कैटेगरीज होते हैं लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, हमारे जो है वो लोगों की ज्यादा डिमांड होती है। और जो भी खास तौर पे मैट्रिक और 12 पास लोग होते हैं उनकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है। तो हमारे पास कुछ न्यू वैकेंसीज आई हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, और जिसका मैंने जो है स्टार्टिंग में जो टाइटल दिया है इसमें भी मैंने उनका मेंशन किया है। आपने करना क्या है, करना यह है कि इस पर जो हमारी ई मेल एड्रेस मैंशन है gofflytourism@gmail.com, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इस पर अपनी सीवी सेंड करनी है और हम आपकी सीवी को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद आपको रिप्लाई करेंगे कि वेदर आप इस काम में जो है फिट हैं या नहीं है, आप इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जो सैलरीज हैं वो भी मैं आपको बता दूं, 1500 से लेकर 2500 3000 तक जो है वो एक्सपेक्टेड होती हैं। एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, वो ये कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर का जो वीजा है ये बी कैटेगरी के अंदर वीजा आता है, और इसमें आप जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हमारे बहुत ज्यादा दोस्त जिनका प्लम्बर में, इलेक्ट्रीशियन में, वेल्डर में इन चीज का एक्सपीरियंस है, तो आप बी कैटेगरी में आते हो और आप अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली जब आप ऐसी कोई भी जॉब जो है वो देखने जाते हो तो वहां पर मैंशन होता है कि आपकी एजुकेशन नॉट रिक्वायर्ड, एजुकेशन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास डिप्लोमा है या जो भी आपकी डिग्री है उसके बिहाफ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो और आप अपना फ्यूचर जो है वो बेस्ट की तरफ ले जा सकते हो। तो मेन चीज ये है कि एक दफा अगर आपको कनाडा की एंट्री मिल जाती है तो एंट्री मिलने के बाद आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड होते जाओगे आपको जो है वो काम और ज्यादा बेहतर होगा। अभी मेरे पास एक दोस्त आए हुए थे, वो बता रहे थे उनका इलेक्ट्रीशियन के अंदर एक्सपीरियंस था, तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर यूएई का एक्सपीरियंस था और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी वो जाना चाह रहे थे, तो हम उनका रेट चेक कर रहे थे, तो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर उनका जो रेट था वो 1424 डॉलर पर आवर जो है वो रेट था, और जो है ओंटारियो वहाँ पे 28 डॉलर पर आवर जो है उनका रेट था। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो एक मैं समझता हूँ कि अच्छी जो वाइट कलर जॉब है उससे ज़्यादा एक स्किलफुल बंदे जो है वो कमा रहे होते हैं। सेकंड मेरे पास एग्जांपल है, 1 वीक पहले मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, ही इज़ अ ब्रिटिश सिटीजन, और मैंने उससे पूछा कि यार यूके के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज़ की बताएं, तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि अगर कोई बंदा भी प्लम्बर का, वेल्डर का, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर लेता है तो यूके के अंदर वो बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। 3-4-5 घंटे का काम होता है और उसका वो बहुत ही अच्छा जो है वो कर सकता है। बट राइट नाउ हमारे पास जो कनाडा की है इसमें आपने क्या करना है, अगर आपका एक्सपीरियंस है लोअर कैटेगरी में किसी भी चीज का, तो आप हमें अपनी सीवी सेंड करें, हम आपकी सीवी को चेक करेंगे और उसके बाद हम आपको रिप्लाई करेंगे कि वेदर आप इस पोजीशन के लिए जो है वो हैं या नहीं। और अगर आप यूएई में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन सी जॉब्स में हमें जो है वो बंदे चाहिए और किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कनाडा मूव करने में। तो बाय द वे ये जो वीडियो थी, इसमें वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि ये लेटेस्ट न्यूज़ है जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। हमारा काम करने का प्रोसेस ये है कि आप हमें अपनी सीवी सेंड करते हो और बेसिक डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हो, हम उन्हें अपने जो हमारा कनाडा में ऑफिस है या जो हमारे कैनेडियन लॉयर हैं उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, वो आपके लिए वहां पर जॉब प्लेसमेंट का काम करते हैं और आपके लिए ऑफर लेटर, LMIA और वर्क परमिट अरेंज करते हैं। ओवरऑल इस प्रोसेस में तकरीबन 5 से 6 महीने लग जाते हैं। अगर कोई बंदा भी 5 या 6 महीने से कम बोल रहा है, इट्स मीन्स कि वो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इमिग्रेशन खाली 105 डेज का टाइम लेती है इंडियन पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, तो इसलिए आपका 5 से 6 महीने मिनिमम टाइम लगता है। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बात कि अगर आप डायरेक्टली वर्क परमिट पे जाते हैं तो ये चीज विजिट वीजा से 1000 गुना बेहतर है। क्यों? क्योंकि आप विजिट वीजा पे जाओगे, आपने एक दफा दोबारा वहां पे स्ट्रगल करनी है, और अगर आप मान लो कि वहां पे आपको वर्क नहीं मिलता, बाय लॉ विजिट वीजा पे आप काम नहीं कर सकते, और अगर आपको काम वहां मिल भी जाता है तो फिर भी 105 डेज अंदर लगने हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी जॉब की सिक्योर करके बाहर से ही जाएं और जो आपके लिए आसान हो। और
खास तौर पे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो अभी ही एक्सपीरियंस गेन करना शुरू करो। इलेक्ट्रीशियन का कोई शॉर्ट सा कोर्स कर लो, 6 मंथ का या 1 ईयर का, उसके अलावा वेल्डर का कोर्स कर लो, बल्कि इनको प्रैक्टिकली सीखो। किसी इंस्टीट्यूट में जाने की बजाय मैं ये समझता हूँ कि आपको किसी ऐसे वेल्डर के पास जाना चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रीशियन के पास जाना चाहिए जो स्किलफुल है, और उसके साथ रह के आप उसके काम को सीख सकते हो। तो आपको जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ये लोअर कैटेगरी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और अभी हमारे पास डिमांड आ चुकी है। अपनी सीवी जरूर सेंड करें हमें, हम उसको चेक करेंगे और हम आपको रिप्लाई करेंगे। आई होप कि आप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, आप अपनी भी सीवी सेंड करें, और अगर आपका कोई दोस्त इस फील्ड से रिलेटेड है या आप मैट्रिक या इंटर आपकी एजुकेशन है, आप हमें जरूर सेंड करें। जिस कैटेगरी की भी जॉब्स होगी हम आपके लिए जरूर जो है वो हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।